हेलो, आज हम दिवाली स्पेशल के लिए स्वीट बनाने जा रहे हैं। उसका नाम है मड़ता काजा। ये आंध्र का स्पेशल है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैदा 300 ग्राम, हम मैदा 1/4 किलो, 300 ग्राम शुगर और घी 100 ग्राम, दही 1 टेबल स्पून, नमक, चुटकी भर ये सोडा है बेकिंग सोडा, और इलायची 4-5, और ये चावल का आटा 3 टीस्पून। अभी मिक्स करेंगे। पहला आटे को बांध के आधा घंटा तक रखना है। चलिए अभी आटा बांधते हैं। ये आटे को, मैदे के आटे को छान के लिया हमें। अभी इसमें 1/4 चम्मच नमक डालना है। ये स्वीट है ना तो नमक कम ही लगता है, आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। पिंच सोडा, बेकिंग सोडा थोड़ा मिक्स करते हैं। दो चम्मच दही, 2 टीस्पून बस इतना ही, अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालेंगे इसमें आधा, ये 100 ग्राम है ना तो आधा डाल सकते हैं, बाकी इसमें साटे के लिए मिक्स करना है। दही और घी का है ना तो ऐसा आना चाहिए मिट्टी। अभी पानी तो एकदम थोड़ा ही लगेगा, थोड़ा सा पानी डाल के पूरी का आटा जैसा बांध के लेने का। अभी आटा ऐसा बांध के लिया पूरी का आटा जैसा। अब इसको एक कपड़ा गीला करके इसको आधा घंटा तक ढक के रखना है। अभी हम चाशनी बनाते हैं। चीनी, 300 ग्राम शक्कर है चाशनी के लिए। 1 कप पानी डाल के पाँच मिनट, ये अभी मीडियम आंच पे 5 मिनट इसको पकने देने का। तब तक मैं इलायची पाउडर करती हूँ। ये चावल का आटा है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं इस आटा के लिए। और इसमें ये 3 चम्मच है, और घी भी उतना ही लगेगा 3 चम्मच। ये अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं। ये घी को गर्म किया ना थोड़ा ऐसा पतला ही लगता है, बाद में ये गर्म हो जाएगा, पतला ही करना है ऐसा। ये 5 से 6 मिनट हो गया। अभी चाशनी ऐसा आना चाहिए तार जैसे, जर्रा सा। तो बंद करने का गैस को, फिर अभी काजा बना लेते हैं। आधा घंटा हो गया है, अच्छे से नरम हो गया है। अभी इसको बेलते हैं थोड़ा ऐसा मल के। इसको हम 6 रोटी में बनाते हैं। एक एक रोटी बेलते हैं। ये थोड़ा लगता है आटा सूखा वाला, अगर नहीं लगाना है तो ऐसे भी बेल सकते हैं। तो रोटी बेलने का इसको, बारीक बेलना है ऐसा, पतला सा। इतना बस, अभी ऐसा 3 रोटी बनाते हैं और 2 बना लेते हैं ऐसा। 3 रोटी बना लिया ऐसा। अब इसके ऊपर ऐसा आटे लगाते हैं, हाथ से फैलाना है ऐसा एक एक रोटी को। ये
दूसरी भी रोटी लेना है, इसका ऊपर डालना है। कम पड़े तो ऐसा खींच सकते हैं, ऐसा खींच सकते हैं। अब इसका ऊपर भी लगाना है। तीसरा भी ले लेते हैं। इसको रोल करना है ऐसा एकदम टाइट से, अच्छे से। इसको काटने का एक ही इंच, इतना इतना काटना है। इसको हल्का सा ऐसा दबाना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का सा दबाना है। ऐसा दबा के एक एक ऐसा प्लेट में रखना है। ऐसा सब दबा के लेना है। ऐसे सब एक एक को ऐसा थोड़ा बेल के लिया है। बाकी तीन नींद बना लेते हैं, तब तक ये तल के रखते हैं। तेल गर्म हो गया है, तो तेल गर्म हो गए हैं, इसमें डालेंगे चार पांच ऐसा। गैस को थोड़ा मीडियम रखना है, तेल गर्म होने के बाद मीडियम करना है। अभी ऐसा ब्राउन कलर हो गया है, अभी इसको निकालना है। अब चाशनी में डायरेक्ट डालना है, कड़े में से निकाल के दो तीन मिनट रखना है बस, बाकी डाल देते हैं इसमें। इसको थोड़ा दूसरी साइड पलटी करना है। फिर एक मिनट बाद निकालना है बस। अभी इसको निकाल देते हैं, प्लेट में ठंडा होने के लिए रखना है। सब ऐसे ही करना है। अभी लास्ट बैच है, इसको निकाल के रख देते हैं। सब रेडी हो गए, अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। अब ये तो थोड़ा चाशनी बसा है ना, तो इसका ऊपर डाल सकते हैं फेंकने का नहीं, क्योंकि बराबर मात्रा में डाला ना शुगर, हो जाएगा इसको। अभी अपना मटर कलचा तैयार है, और एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।